की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी का यह पूरा मामला है। ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को तलब किया। आज ईडी के सामने पेश होंगी रुजिरा बनर्जी। सुबह तकरीबन 11 बजे ईडी मुख्यालय में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब हाजिर होना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी का यह पूरा मामला है। हालांकि पहले भी यह मामला सुर्खियों में आया था। एक बार फिर से ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को तलब किया है। आज ईडी के सामने रुजिरा बनर्जी को पेश होना है, यानी ईडी के कई सवाल होंगे जिनका जवाब रुजिरा को देना होगा और रुजिरा के सामने कई सवाल होंगे। एक एक करके सवालों का सामना करना पड़ेगा। सुबह तकरीबन 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब ईडी मुख्यालय में हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। सुबह 11 बजे ईडी मुख्यालय में हाजिर होंगी रुजिरा और तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा। ईडी के सवाल होंगे, अब देखना होगा कि कितने सवालों में सहयोग देते हैं। और पूरे मामले को लेकर पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी का यह पूरा मामला जिसमें ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को तलब किया है, आज ईडी के सामने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पेश होना होगा। सुबह 11 बजे ईडी के सामने ईडी मुख्यालय में हाजिर होने के निर्देश दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोयला तस्करी का यह पूरा मामला है जिसमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी का नाम सामने आया है और उनको तलब किया गया है। आज ईडी मुख्यालय हाजिर होने के निर्देश रुजिरा बनर्जी को दे दिए गए हैं।